तो लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी दिल्ली हिंसा पर। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आया है दिल्ली हिंसा को लेकर। हम नहीं चाहते हिंसा में लोग मरे, यानी रोक खड़ा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है हम सबको सुन रहे हैं लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। यहां पर कानूनी दायरे की भी बात करते हुए चीफ जस्टिस अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, दिल्ली में हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग मरे लेकिन हमारी सीमाएं हैं, क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस ने? देखिए, दरअसल चीफ जस्टिस की नाराजगी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के थी जिसमें कोर्ट पर कुछ सवाल खड़े किए गए थे और कोर्ट ने में जब ये मांग की गई कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत है और दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा फैली है उसकी एसआईटी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए और दिल्ली और इसको भड़काने वाले लोग जिनमें खासतौर से कुछ बीजेपी के नेताओं के नाम दिए गए थे अर्जी में, कहा था उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, जो लोग मारे गए हैं उनके लिए उचित मुआवजा होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको सुनेंगे लेकिन कोर्ट हिंसा को रोक नहीं सकता, कोर्ट सिर्फ हिंसा के बाद में कोर्ट का रोल आता है और हम भी शांति चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट ही हिंसा के लिए जिम्मेदार हो और हम दबाव महसूस करते हैं। ये चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी। बहरहाल कोर्ट बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि एक बड़ा संजीदा मामला है, लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में जब बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई तो हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए इस मामले को टाल दिया। कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की तरफ से जो कुछ कोर्ट में कहा गया और जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं उसको लेते हुए चीफ जस्टिस ने टिप्पणी। बिल्कुल, चलिए अरविंद बाबा शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने भी केंद्र ने भी अपनी तरफ से बातें रखी है कि विपक्षी दल के नेताओं ने भी जो बातें कही है, भड़काऊ भाषण दिए हैं, जो बयान दिए हैं उसे भी सुना जाना चाहिए।